बस ऑपरेटर्स को मैंने बुलाया था, उनकी कुछ नाराज़गी थी, वो नाराज़गी दूर हो गई है, रात को ही हो गई थी वैसे दूर, और ये कम्युनिकेशन गैप था। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बड़ा डिसीजन लिया है, और पूरे देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने सब बच्चों को रोडवेज में फ्री किया है, प्राइवेट बसों में फ्री किया है। लाखों बच्चे, लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाना और सुरक्षित पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं स्टूडेंट जितने भी रीट का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं उनसे कहूँगा, जल्दीबाजी नहीं करें, एक बस में ऊपर छत पर नहीं चढ़ें, शांति रखें और तरीके से करें जिससे कम ये दिक्कत नहीं आए कि हम हमारी कोई दुर्घटना नहीं हो। ये हमारी जिम्मेदारी। और सब स्टूडेंट से एक बात और कहूँगा, सावधान रहो ठगों से, बेईमानों से, जो पेपर के नाम पर पैसे ले लेते हैं, ये पेपर आ गया, जो सेलेक्शन के नाम पर पैसे ले लेते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का इलाज करना है। सीएम ने साफ कह दिया, यदि कोई सरकारी कर्मचारी पाया गया उसको बर्खास्त करेंगे, कोई सेंटर पे हुआ उसकी मान्यता रद्द करेंगे। ईमानदारी से पेपर हो, अच्छे पेपर हो, उसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट खुद पढ़कर पढ़ाई पर भरोसा करे, इधर उधर के लोगों पर भरोसा नहीं करे। ऐसे लोगों का इलाज करना हमको आता है, सरकार लगी हुई है। कोई यदि अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है और कहता है मैं सिलेक्शन करा दूंगा, तो उनकी शिकायत पुलिस को करे। और सबसे कहूँगा, अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है, सब मिलकर इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी। मैं सर क्या